जी काशिफ और अनम थोड़ा आगे आए और बताएं आप कि ये तुम लोगों का भी कौन आपसे शॉर्ट कोर्ट लेगा और कौन हमसे 20,000 कैश लेगा और ये ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जिन कंटेस्टेंट ने मेकअप किए आज बहुत ज़्यादा अच्छे मेकअप किए हैं और जो शॉर्ट कोर्स है जो विनर है उसको तो है लेकिन जो विन नहीं करता उसको भी मेरी तरफ से मिलेगा। मतलब चारों को डिसअपॉइंट ना हो अंडर एस्टिमेट ना हो क्योंकि कोशिश उन्होंने आज बहुत अच्छी की सबने मेकअप अच्छे किए नहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आ ही जाता है एक इशू ये भी था कि सेलिब्रिटीज बैठे हुए इस वजह से भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कंटेस्टेंट लेकिन आप सबने सपोर्ट भी बहुत किया जब आप पे प्रेशर आपके दिमाग में कोई देख रहा है आपको ऑटोमेटिकली आपके साथ ऐसा होना शुरू होता है मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मुझे कोई बोलता है कि हाँ भैया ऑनियर एकदम सारी वो काम करो मेरे हाथ कांपने लगते हैं नहीं चीज भी नहीं मिल रही होती है चाहिए होती है अच्छा खासा करते करते जो काम है वो अजीब हो गरीब है। अच्छा यहाँ मैं पूछना चाहूंगी महरीन के मेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा लाइनर लगाया उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की बस इनर कॉर्नर हल्का सा इनका डिस्टर्ब है क्योंकि अभी इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं आई गैप भी बहुत अच्छा है तो ऐसी आंखों पे जो लाइनर वो लगता ही बहुत अच्छा है तो आउटर कॉर्नर अच्छा इन्होंने बनाया है इन्होंने विंग उठाया बस इनर कॉर्नर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ओवरऑल अभी बहुत अच्छी लगी बहुत प्यारी लगी ठीक है। अच्छा रुक के गांव खड़ी हुई दिखता हूँ सामने। अच्छा अब ये शबाना है शबाना का मेकअप जो रोज के ऊपर हुआ है इसके मेकअप के बारे में क्या कहेंगे? शबाना के मेकअप के बारे में बहुत अच्छा मेकअप किया है लाइनर बहुत अच्छा लगाया है रोज का स्टाइलिंग भी अच्छी अच्छी स्टाइलिंग भी अच्छी रोज गाइड भी अच्छा कर रही थी। अच्छा किरण आई अभी आई नहीं अभी तक नहीं आ जाए उनको भेज देना कहाँ गई मेरे ख्याल से वो वहीं से वहीं बाहर ही निकल चली गई बाकी अच्छा लेने गए। अच्छा चलो मैं उनको आखिरी में इंट्रोड्यूस दोबारा करा दूंगी। अच्छा आप ने मेहनत की है वो थोड़ा सा मेहनत करी थी कंफ्यूज हो उनको स्टार्टिंग में ही मैं उनको बता रहा था समझा रहा था उनको ना आ गई आ गई आ गई आ जाओ आओ जिस जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया। नहीं भाई क्लैपिंग होनी चाहिए मेहनत तो सबने मेहनत सबने की है यार सबसे बड़ी बात है काशिफ ने सबको शॉर्ट कोर्सेस दिए हैं अपना बोर्ड बोर्ड उतार के आ गई हैं क्या नाम है और मुस्कुराओ सोबिया महाराज हूं क्या इधर आओ इधर आओ भैया आप खुशी की आप थी नहीं है मैं आपको बता दूं काशिफ ने कहा है कोई जीते या हारे चारों को शॉर्ट कोर्स वो कराएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको सीखेंगे आपको भी शॉर्ट कोर्स होगा चाहे आप हारे या जीते लेकिन शॉर्ट कोर्स आपको मिलेगा। सोबिया नाम है आपको देखो हारो जीतो लेकिन मुस्कुराना ना छोड़ो ठीक है और आप सब शॉर्ट कोर्स दे रहे हैं और अब प्लीज ग्रैंड फिनाले में पहुंची ग्रैंड फिनाले में पहुंची बड़ी बात है इस तरह से ये सब। अच्छा जी समरा का मेकअप कैसा है छुटकी आओ तुम्हारा नाम पढ़ूंगी मैं। हाँ ये है नूर 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 का मेकअप आपको कैसा लगा? समरा का भी अच्छा मेकअप किया है बस लिप्स थोड़े ज्यादा छोटे कर दिए हैं आउटर कॉर्नर ये थोड़े से साइड्स इनके बढ़ाते हैं ना पहले समरा के छोटे हैं नहीं समरा से नहीं ना वो छोटे बड़े हो रहे हैं नहीं थोड़ा सा और होता है। अच्छा गड़बड़ आपको और फिनिशिंग करती तो और नीट हो जाता ना लैशेस हां शिमर थोड़ा गिर रहा है लैशेस थोड़ी बड़ी हुई हुई इनकी ना। अच्छा अब आपको एक आपको फाइनल रिजल्ट बताना है और फाइनल दुल्हन बतानी है कि कौन सी आपको बेस्ट लग रही है चारों में से। एक काम करना तुम ऐसे आना काशिफ जो भी विनर होगी ना उसको टाइम नहीं बनीता विनर को एंड में लेना है जानू जल्दी विनर को एंड में सेलेक्ट करवाना है हमने शो को रैप अप करना है खत्म करना है भी सेलेक्ट कर रही तो समझ नहीं आ चलो नहीं नहीं सब नहीं यहां पे खड़े हो जाओ नहीं नहीं जल्दी एक मिनट चूज करो दोबारा देखो ना आगे हम लोग खड़े हो लग रहा हमारा एग्जाम काशिफ जी ये कैश है हमारी तरफ से ये ट्रॉफी बहुत भारी है हाँ। तो ये जो है और बड़ी खूबसूरत है ये मैं पकड़ लेती हूँ आपकी ट्रॉफी से दोनों हाथों से नूर इसको छोड़ दो ट्रॉफी पकड़ो।
जी बहुत बहुत मुबारक हो नूर को. और ये था हमारा वीक जिसमें हमने कोशिश की कि उन सैलून्स को जिनको वाकई प्रमोशन की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए. एक छोटा सा हमने वीक किया और उनको मौका दिया आगे बढ़ने का. इसी तरह आप भी आगे बढ़ सकती हैं, चाहे आप किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखती हों, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को तराश के आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं. सिर्फ बात है आपके विजन की, और वो विजन चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है, बेहतर हो सकता है. तो अपने आप को आगे जाने से मत रोकिए, सीखें, सीखते रहिए. और थैंक यू सो मच काशिफ, इतनी अच्छी कलेक्शन आपकी, आपने 5 दिन डिस्प्ले की हमारे शो पर और लोगों को एंटरटेनमेंट फराहम की, ग्लैमर फराहम. आप लोगों का बहुत अच्छा सेट, बहुत अच्छी कोशिश, सब बहुत अच्छा. प्लीज मेरी मेरी किरण और रोज और अबीर आगे आ जाएं आप लोग. मेरी किरण आगे आ जाएं, ताकि हम तो आपसे बातें नहीं कर सके आज के शो में. लेकिन आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चेहरे इन लोगों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिए, वरना हम तो किसी के आगे बैठते नहीं थे जब हम हैरान रह गए था. और मैं ये चाहूंगी ये सर्टिफिकेट भी नूर जी को दे दूं. नूर जी वाह वनिता जबरदस्त. जीएमपी ब्यूटी क्वीन आज खत्म हुआ. इंशाल्लाह मंडे को आपको एक नया शो दिखाएंगे.